हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज। कल हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, नंबर्स के क्वेश्चंस किए थे। आज हम फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज, किसी सीरीज के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, उनको हम शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, टैट में भी, कमीशन में भी, इवन आर्मी का जो जीडी क्लैरिकल के एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, लाइक 1, 2, 3, 4। ओके, इस तरह से आपको सीरीज दे रखी है और आपको लास्ट टर्म दे रखी है 50। आपको कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 1 to 50। 1 to 50 के बीच में आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 to 50 तो हमें सिंपल सा पता है कि 1 to 50 के बीच में 50 टर्म्स है, बट इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता है। ओके, अभी देखो, इसका आंसर तो हमें पता है कि इसमें 1 और 50 के बीच में 50 टर्म्स है, बट इसको मैं आपको एक मेथड से हम फाइंड करेंगे कि कितनी टर्म्स हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना चाहते हैं किसी भी सीरीज में। ओके, और ये फॉर्मूला अप्लाई होता है सिर्फ तभी जब इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम हो। तो आपने फर्स्टली अगर सीरीज दी है तो उनका डिफरेंस देख लेना है, 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, मींस डिफरेंस जो है वो इस सीरीज में सेम है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डिफरेंस सेम ऑलरेडी दिया होता है। तो अब आप देखिए, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। देखिए, ये जो ए एन होता है, ए एन को हम कहते हैं लास्ट टर्म। तो ए एन यहाँ पे क्या है, हमारी लास्ट टर्म क्या है, 50। ओके, एंड ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म है हमारी 1, सो ए इज इक्वल टू 1। नाउ n क्या होता है, इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, n हमने फाइंड करना है। ओके, सो d को बोलते हैं डिफरेंस, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 2 माइनस 1। ओके, 1, इसको भी माइनस करके देख लें, 3 में से 2 को माइनस करके देखते हैं, 3 माइनस 2 1। तो इट मींस कि आपका डिफरेंस जो है वो सेम है, 1 ही है। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए, ए एन की जगह हम 50 पुट करेंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस एन। एन हमें पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स, इवन हमें इस क्वेश्चन में पता है। ओके, बट हम निकालते कैसे हैं नंबर ऑफ टर्म्स वो मैं आपको बता रही हूं, आप भूल जाइए कि आपको पता है। ओके, सो एन को हम एन रहने देंगे, एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है आपके पास, 1। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 1 है ये किस चीज का है, यहाँ पे प्लस का। जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई का है तो वो डिवीजन करता है, अगर डिवीजन का है तो वो इक्वल टू के नेक्स्ट वाली साइड में जाके वो मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरह से ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे प्लस का है 1 के आगे किस चीज का साइन है, प्लस का। ओके, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब क्या रहता है हमारा इधर, एन माइनस वन इंटू 1। नाउ देखिए, 50 में से आपको 1 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 49। ओके, नाउ इधर रहता है एन माइनस वन इंटू 1। 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आपका आ जाता है, तो एन माइनस 1 आ जाएगा। नाउ अब आप माइनस को देखिए, इसको देखिए माइनस 1 है, जब हम इसको भी इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो ये हो जाएगा 50। इट मींस कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इस सीरीज में कितनी है, 50। तो इस तरह से हम
नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के साथ साथ मैं आपको सम भी बताऊंगी कि अगर 1 से लेके 50 टर्म्स तक का अगर हमने सम फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं. ओके वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना सीख लेते हैं. आफ्टर दैट हम सम ऑफ सीरीज भी सीखेंगे कि हम सम कैसे फाइंड करते हैं सीरीज के बीच में. ओके सो अगला क्वेश्चन. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 1000. आपने क्या करना है 1 से लेके 1000 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं कि कितने नंबर्स जो हैं वो 1 से लेके 1000 के बीच में आते हैं. तो आप सोचिए कि अगर आप इस तरह से देखने लगेंगे कि इवन नंबर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख ले क्योंकि बेसिक पार्ट जो है इवन नंबर होल नंबर नेचुरल नंबर वो सारा कुछ उसमें बताया हुआ है. तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इवन नंबर 1 और 1000 के बीच में कौन से हैं. देखिए 1 को देखें तो 1 जो है वो इवन नंबर नहीं है. ओके सो 2 देखें तो 2 इवन नंबर है. 2 के बाद 4 इवन नंबर है. ओके फिर 6 इवन नंबर है. फिर 8 इवन नंबर है. फिर 10 इवन नंबर है. 12 इवन नंबर है. इस तरह से ये चलते जाएंगे. ठीक है तो अगर आप इनको इस तरह से राइट करके लिखने लगे कि 12 के बाद 14 2 का टेबल पढ़ते गए 1000 तक तब तक तो आपका मतलब एक ही क्वेश्चन को करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो फिर आप बाकी पेपर कव करेंगे. तो इसीलिए हम इस शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं ताकि हम इजीली जो हमारे बिग बिग टर्म्स है उनमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकें. तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने देखना है 1 से जो है वो इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं. 2 से स्टार्ट होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतना इनफ है. अब लास्ट से देखो 1000. ओके 1000 को देखिए 2 से डिविजिबल है. यस 1000 2 से डिविजिबल है. इट मीन्स हमारे लास्ट जो इवन नंबर है 1000 तक वो क्या है वो 1000 ही है. ओके नाउ इस तरह से हमने एक ये सीरीज फाइंड कर ली. अब हम इसमें देखेंगे जो हमारा फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. आप देखेंगे मैंने आपको पहले अभी बताया कि ए एन जो है उसको हम वो होती है हमारी लास्ट टर्म ए एन. ओके एंड हमारा ए होता है फर्स्ट टर्म. ओके एंड डी डी कैसे फाइंड करते हैं हम. डी होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस. ठीक है तो डी फाइंड कर लेंगे हम. ए हमारे पास है 2 ए एन हमारे पास है 1000 एंड डी हमारे पास है 4 में से 2 को माइनस कर लेंगे. 4 में से 2 माइनस किए 2 इवन 6 में से भी 4 को माइनस करके देख लीजिए 6 माइनस 4 कितना होता है 2. इट मीन्स हमारा डिफरेंस जो है वो 2 है. ओके अगर आपका डिफरेंस सेम है तभी मैंने कहा कि इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पे डिफरेंस सेम है. अगर आप किसी भी नंबर को ले लो उनके बीच का डिफरेंस देखो तो वो डिफरेंस सेम है. ओके नाउ हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे. ए एन हमारे पास 1000 है. 1000 इज इक्वल टू 2 प्लस एन हमें पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू क्या है 2. अब देखिए 2 प्लस का है इसको हम इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा यस माइनस का माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है एन माइनस 1 इंटू 2. अब क्या करेंगे 1000 में से 2 को माइनस किया 998 आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2. अब देखिए यहाँ पे 2 है 2 इसको क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है. इसके बीच में कोई भी साइन नहीं लगा है मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है. ब्रैकेट लगी हुई है ना ब्रैकेट के बाद अगर कोई नंबर है और कोई साइन नहीं लगा है इट मीन्स 2 क्या कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है. और मल्टीप्लाई का मैंने बताया कि मल्टीप्लाई को जब हम इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं तो वो क्या करता है डिविजन करता है. तो 2 को अगर हम इक्वल टू के साइड लेके आए तो 2 998 को क्या करेगा डिवाइड करेगा. 2 डिवाइड करेगा इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा एन माइनस 1. नाउ 2 से देखो 998 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करके हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 2 4 8 2 9 18 499 हमारा इसका क्वेश्चन आएगा. ओके तो 499 जो है वो आ गया हमारे पास. अब देखिए एन माइनस 1 भी है हमारे पास इट मीन्स 4999 इज इक्वल टू एन माइनस 1. अब ये माइनस 1 है इसको भी हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू एन. तो इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 500.
इट मीन्स कि आपकी जो 1 और 1000 के बीच में इवन नंबर्स हैं वो 500 हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ऑड नंबर्स का फाइंड करना होगा, और अगर मान लीजिए इवन की जगह अगर ऑड हो जाता है, इधर इवन की जगह अगर ऑड हो जाता है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो ऑड हो जाता है अगर, तो आपने पहले तो ये सीरीज फाइंड करनी है। तो अगर ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज फाइंड करेंगे, तो 1 जो है वो ऑड नंबर है, उसके बाद 3 ऑड नंबर है, उसके बाद 5 ऑड नंबर है, उसके बाद 7 ऑड नंबर है। इस तरह से अगर हम 1000 को देखें तो 1000 तो इवन नंबर है, तो 1000 के अगर हम पीछे की तरफ चलें तो 1000 से पीछे 999 आता है, और 999 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इट मीन्स 999 जो है वो ऑड नंबर है। इसी तरह से जैसे हमने इस क्वेश्चन में ए फाइंड किया, डी फाइंड किया, ए एन फाइंड किया, इसको अप्लाई करके आप इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया और सीरीज मैंने आपको बता दी है। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आता है इसका, आपको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 20 एंड 90। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमने क्या करना है, 4 के मल्टीपल्स राइट करने हैं, किसके बिटवीन, 20 और 90 के बीच में जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं वो हमने राइट करने हैं, और हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो है वो 20 और 90 के बीच में हैं। तो हाँ, इस क्वेश्चन को आप इजीली वे से भी कर सकते हो, 4 से डिवाइड करके भी कर सकते हो। लाइक जैसे आप 4 का टेबल रीड करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 24 28, 36 40 44, 48 52 56 64 68 72 72 के बाद 76 80 84 88। ओके, एंड आफ्टर दैट आपका आ जाता है 92। अब आपको क्या कहा था 20 एंड 40 के बीच में, तो 20 एंड 40 के बीच में अगर हम मल्टीपल्स देखें तो 4 8 12 16 जो है वो 20 एंड 14 के बीच में नहीं आते हैं, इनको इरेज कर दीजिए। और 90 तक बोला है तो 92 भी जो है वो 90 के आगे आता है ना, 90 के बीच में नहीं है। सो अगर आप इन मल्टीपल्स को काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इट मीन्स आपके 18 मल्टीपल्स जो है वो 20 एंड 90 के बीच में लाई करते हैं। तो ये तो हमारी छोटी सी टर्म थी, छोटा सा नंबर था कि 20 और 90 के बीच में हमने मल्टीपल्स फाइंड करने थे, तो हमने इस तरह से राइट कर लिया। ओके, बट अगर आपके पास यहाँ 200 आ जाता है और यहाँ 900 आ जाता है, या चलो 9000 ले लेते हैं, तो इनके मल्टीपल्स अगर आप इस वे से राइट करोगे तब तो आपका टाइम निकल जाएगा और आपका जो है वो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े टर्म्स के लिए ही हम इस मेथड का यूज करते हैं, अदरवाइज छोटे नंबर्स के बीच में तो जैसे हमने अभी फाइंड किया ऐसे फाइंड कर सकते हैं। बट जब आपको फॉर्मूले से ये क्वेश्चन करने आ जाएंगे तो आप इतना, जितना टाइम हमने इनको लिखने में लगाया उतने टाइम से कम टाइम में आप उस फॉर्मूले से इनको फाइंड कर सकते हो। ओके, सो इन क्वेश्चंस को ऐसे लाइटली मत लीजिए कि हम तो ऐसे राइट करके इनको फाइंड कर सकते हैं तो हम क्यों सीखें इस मेथड से। ओके, तो वो आप छोटी टर्म्स का तो कर सकते हो, बट जब आपके पास बड़ी टर्म्स हो जाती है, लाइक 200 टू 9000 हो गया, तो आप कितनी टर्म्स लिखेंगे, कितनी टर्म्स को आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। सो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, 200 टू 9000। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज राइट करेंगे, 4 से
फोर के मल्टीपल 200 को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 200 4 से डिविजिबल है, यस 200 4 से डिविजिबल होता है। ओके 200 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, 204, आफ्टर दैट 208। ओके इतने इनफ है, 3 नंबर्स इनफ है। अब हम लास्ट में देखते हैं 9000 को देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है, यस 9000 भी 4 से डिविजिबल है। सो लास्ट टर्म हमारी 4 से जो डिविजिबल नंबर आ जाएगा वो 9000 आ जाएगा। अगर 9000 4 से डिविजिबल नहीं होता तो हम उसके पीछे की तरफ चलते, फिर हम 800, फिर हम इससे 1 माइनस करके हम 8999 को देखते, फिर 8888 को देखते, 8897 को देखते, इस तरह से देखते जाते हैं ना। तो कोई तो नंबर हमारा आता जो 4 से डिविजिबल है, बट 9000 ही 4 से डिविजिबल है तो हम 9000 ही राइट कर देंगे। ओके राइट वही करने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। ओके ऐसा नहीं कि 200 से 9000 बोला तो 200 और 9000 राइट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो 4 से डिविजिबल है वही लिखने हैं। यहाँ पर 200 भी 4 से डिविजिबल है, 9000 भी 4 से डिविजिबल है, इसलिए हमने यहाँ पे ये राइट किया। सो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए एन क्या है, ए एन होती है हमारी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म है हमारी 9000 इज इक्वल टू ए कितना है, फर्स्ट टर्म, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, सो 200 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करना है, एन को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, एन माइनस वन इंटू डी। डी अब हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 204 माइनस 200 कितना हो जाता है 4, और 208 से 204 को माइनस करेंगे तब भी हमारा डिफरेंस 4 ही आता है, सो इट मीन्स डी हमारा 4 है। नाउ देखिए अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 200 प्लस का है, जब हम इसको इक्वल टू के साइड भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू, नाउ अब क्या रहता है इधर, एन माइनस वन इंटू फोर। नाउ 9000 से हम 200 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8800। ओके नाउ अब आप देखिए एम माइनस वन इंटू फोर है, ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब आप इसको इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो ये इसको क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा इज इक्वल टू एन माइनस वन। इसको अब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 to 8 0 0 है ना, 4 से डिविजिबल है ये, 2200 आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखो n माइनस वन है, ये माइनस वन है, जब हम इसको इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू n, इट मीन्स आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 2201। तो इट मीन्स कि 4 से जो 4 के जो मल्टीपल्स हैं बिटवीन 200 एंड 9000 वो है 2201। अब आप सोचिए जिस मेथड से हमने पहले ये क्वेश्चंस किया था उस मेथड से अगर हम 2201 टर्म्स राइट करेंगे तो आपका जो टाइमिंग होगी पेपर की वो पूरी निकल जाएगी, इसलिए इस मेथड को अप्लाई कीजिए। इस छोटा सा फॉर्मूला है, इसको लर्न कीजिए, जब आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको कम समय में कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, 13, 19 and 205। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपने ये जो सीरीज दे रखी है आपको, अभी सीरीज आपको ऑलरेडी दे रखी है और आपने इसके बीच में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए क्या डिफरेंस सेम है, 13 से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, 19 से 13 को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 6। इट मींस कि हम उस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपने ये चीज जो है वो 10th में पढ़ी होगी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके सो आपको थोड़ा बहुत अगर आपने 10th में अच्छे से मैथ्स पढ़ा है, मतलब सीरियसली पढ़ा है, तो आपको याद आ रहा होगा कि आपने उसमें पढ़ा था ये एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसी के क्वेश्चन है, बट अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। आगे हम इनका सम भी देखेंगे कि इतनी ये जो सीरीज है इनके बीच में अगर हमने सम फाइंड करना है इन नंबर्स का तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आएंगे, अभी हम सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारा फॉर्मूला है ए कितना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए हमारा फर्स्ट टर्म इज 7, डी देखेंगे तो डी अभी फाइंड किया हमने, सेकेंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो कितना आता है 6,
इसको भी माइनस करके देख लीजिए, 19 माइनस 13 तो भी 6, मींस डिफरेंस हमारा 6 है। और अगर ए एन देखे हम, ए एन होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज 205। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन है हमारा 205 इज इक्वल टू ए हमारा 7 है, 7 प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, फाइंड करनी है हमने, एन को हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, तो इसको एज इट इज राइट करेंगे। और डी है हमारा डिफरेंस 6। नाउ फर्स्टली इसको हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो 205, अब ये 7 प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए 205 से हम 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 198। ओके, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इक्वल टू के इधर आके 198 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, यहां से इसको इरेज कर देते हैं हम। अब देखिए 6 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 3 18 and 6 3 18 33, हमारा क्वेश्चन 33 आता है, 6 से डिविजिबल है ये, सो 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये माइनस 1 है, ये यहाँ आके इस 33 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। इट मीन्स आपकी जो 7 और 205 के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 34, क्योंकि n की वैल्यू आई हमारी 34। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, और अगर ये फॉर्मूला लर्न कर लिया आपने तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नाउ हमारे पास ये सीरीज है -2 -4 -6 -8 -10 and -568। हमने इसके बीच में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इस सीरीज में माइनस लगा है, तो इससे आपने घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ए क्या है, तो ए है हमारा -2। डी हम फाइंड करेंगे, डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो सेकंड टर्म है हमारी -4 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारे -2। अब देखिए यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस जरूर लगाना है, और अगर इसके साथ माइनस लगा है तो उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए -2। ओके, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं, -4 -2, और ये गलत हो जाता है। ओके, सो ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अगर आप -4 से -2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस का साइन जरूर लगाना है, बिकॉज ये सब्ट्रैक्शन का साइन है और ये -2 इसके साथ लगा हुआ है, तो उसको ब्रैकेट में लिखिए। ओके, नाउ देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -4। अब जब साइन माइनस माइनस इकट्ठे हो जाते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, +2 हो जाता है। ओके, जब भी दो माइनस माइनस के साइन इकट्ठे हो जाए तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है, अगर प्लस और माइनस के साइन इकट्ठे हो जाए तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है, अगर माइनस और प्लस का साइन इकट्ठा हो तो वो भी माइनस हो जाता है, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए -4 से 2 को माइनस करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा -2। देखिए माइनस क्यों लगाया इसके साथ हमने, इसमें साइन वही लगता है हमारा आंसर में जो बड़ी टर्म के साथ होता है, प्लस माइनस में ऐसा ही होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। एक तो बात ये है कि आप ऐसा नहीं है कि -4 +2 लिखा है तो उनको ऐड करेंगे, इनको ऐड नहीं करेंगे, हम साइन को कंपेयर करेंगे, प्लस माइनस क्यों आ जाता है, माइनस करना हमने माइनस ही है, और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसके साथ साइन, बड़ी टर्म के साथ जो साइन लगा होता है वही लगाते हैं, तो 4 के साथ माइनस का साइन लगा है तो इसके साथ -2 लगेगा, तो डिफरेंस हमारा -2 आया। नेक्स्ट नंबर्स को भी अगर आप माइनस करोगे तो डिफरेंस आपका -2 ही आएगा। और अगर हम ए एन की बात करें लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म है हमारी -568। ओके, इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू, ओके, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बार फॉर्मूला लिख के आपको बता भी दिया है, तो हमारा ए एन है -568 इज इक्वल टू ए हमारा -2 है प्लस एन -1 हमें पता नहीं है इंटू डी हमारा -2 है, तो इस तरह से ब्रैकेट में इसको लिखेंगे -2 को। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा के -2 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा, बाकी आप इसको क्या करेंगे फिर माइनस को इधर आगे प्लस कर देंगे, वो गलत हो जाएगा ना, -2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस टर्म को, तो उसको ब्रैकेट में रखिए। ओके, इन ब्रैकेट का मतलब यही है कि बीच में मल्टीप्लाई है। नाउ -2 है, इसको अगर हम इधर लेके आएंगे, साइन कहाँ देखना है, इसके आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, सो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, +2 हो जाएगा,
ठीक है, इज इक्वल टू एम माइनस वन इंटू माइनस टू। नाउ इनको देखिए, प्लस माइनस दो साइन है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 568 से 2 को माइनस करिए 566 आएगा। बड़ी टर्म कौन सी है? 568, इसके साथ कौन सा साइन लगा है? माइनस का, तो आंसर के साथ माइनस लगेगा। नाउ इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस टू, माइनस टू है देखिए, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो क्या करेगा 566 को, इसको डिवाइड करेगा माइनस टू। ओके, इसके साथ माइनस रहेगा ही बिकॉज ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको डिविजन में लेके आ रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि माइनस कर रहा है तो इसको प्लस कर रहे हैं तब साइन चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको डिविजन में लेके आना है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहता है एन माइनस वन। अब देखिए, जब न्यूमिनेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो डिविजन में ये भी कट जाते हैं। ओके, नाउ टू से इसको डिवाइड करिए तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, टू टू जा फोर, 283, और ये माइनस वन है, इसको हम इक्वल टू किधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन, तो इट मीन्स आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 284, इट मीन्स आपके जो माइनस टू और माइनस 568 है, इनके बीच में कितनी टर्म्स हैं, 284। ओके, सो ये थी नंबर ऑफ टर्म्स या टर्म इन अ सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज हम कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सम ऑफ ऑल टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं, हम सम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम वन, हमने वन से 1000 के बीच की जितनी टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और स्टेप बाय स्टेप हम जो बेसिक मैथ्स है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक आपका टैट हो गया, कमीशन हो गया, या फिर जीडी का पेपर हो गया, आर्मी का, क्लैरिकल का हो गया, उनमें इसी तरह के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, आगे मैं जो है वो नेक्स्ट सीरीज इसकी कंप्लीट कर सकूं और नेक्स्ट वीडियोस लाती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।